दो साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। रूस यूक्रेन वॉर जोन में अभी भी तबाही का मंजर है, लेकिन बड़े बड़े हथियारों के बीच अब यहां कैंडी की एंट्री हुई है। ये नाम सुनकर आपके जहन में चॉकलेट या टॉफी का ख्याल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तभी तो जेलेंस्की की पूरी सेना वॉर जोन में जाने से पहले कैंडी की डिमांड कर रही है। और इतना ही नहीं, जेलेंस्की के टॉप कमांडर ने बिना कैंडी के जंग में उतरने से ही मना कर दिया है। आखिर क्या है कैंडी जिसे रूस यूक्रेन वॉर जोन का गेम चेंजर माना जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरसती विध्वंसकारी मिसाइलें, टैंक से दागी जा रही तबाही मचाने वाले रॉकेट, ड्रोन से गिराए जाने वाले विस्फोटक बम और गोले, बड़ी बड़ी बंदूकों से ताबड़तोड़ निकलती गोलियां, हवा से हवा में मार करने वाले डिस्ट्रॉयर, घातक वॉरशिप से जमीन पर शोले बरसाते लॉन्चर, बीते दो साल से रूस यूक्रेन वॉर जोन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दिन रात एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का जखीरा तैयार हो रहा है, तो पश्चिम देश बीते दो साल से यूक्रेन को ऐसे ही मारक हथियारों की सप्लाई पहुंचा रहे हैं। इस वॉर जोन में धमाकों का शोर इतना अधिक है कि कई बार उसकी आहट से न्यूक्लियर वार और तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक दस्तक देती है। लेकिन अब भीषण तबाही के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में एक कैंडी की डिमांड बढ़ गई है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेलेंस्की के सोल्जर्स के लिए कैंडी सबसे बड़ा सर्वाइवल किट बनता दिख रहा है। कैंडी की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि इसके बिना जेलेंस्की का कोई योद्धा वॉर जोन में कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के सैनिकों का सामना करने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों के लिए कैंडी अब तक का सबसे बड़ा ढाल साबित हो रहा है। कैंडी, ये नाम जितना अजीब है इसका साइज भी उतना ही हैरान करने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दो एंटीना और दो छोटी सी स्क्रीन लगी इस डिवाइस में ऐसा क्या है जो यूक्रेन की आर्मी यूनिट में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। दरअसल रूस यूक्रेन वॉर जोन में रूस की तरफ से इस्तेमाल होने वाले ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है, और इसी से बचने के लिए यूक्रेन की सेना कैंडी का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी सेना का कैंडी एक ड्रोन डिटेक्टर है। ड्रोन डिटेक्टर डिवाइस कैंडी का इस्तेमाल ड्रोन से बचाने के लिए किया जाता है। कैंडी की मदद से ये पता चल जाता है कि आसपास ड्रोन है या नहीं। कैंडी रूसी ड्रोन के सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है और अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलने के बाद सैनिकों को बचने के लिए कुछ सेकंड्स का समय मिलता है। अब सवाल है कि कैंडी काम कैसे करता है। दरअसल ड्रोन का ऑपरेटर कंसोल का रेडियो की तरंगों के जरिए संपर्क होता है। रिसीवर की मदद से सिग्नल के पैरामीटर को सही ढंग से चुनकर ड्रोन की मूवमेंट पकड़ी जाती है। सबसे बड़ी बात है, कैंडी प्लास्टिक के डिब्बे की तरह है और काफी हल्का है। इसमें स्क्रीन और एंटीना लगा होता है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में काफी कम लागत और वक्त लगता है। यूक्रेन की सेना का मानना है कि छोटे आकार वाले पोर्टेबल डिटेक्टर रूस यूक्रेन वॉर जोन में गेम चेंजर साबित होगा। रूस लंबे समय से यूक्रेन सेना को ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचा रही है। बीते करीब दो साल में ड्रोन की मदद से ही यूक्रेन के कई खुफिया बंकर और ग्राउंड मूवमेंट कर रहे टैक्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब यूक्रेनी सेना कैंडी की मदद से ही अलर्ट हो रहे हैं, जिसकी मदद से मैदान जंग में रूसी ड्रोन के वॉर का असर कम हो रहा है। अगर लंबे समय तक यूक्रेनी सेना कैंडी की मदद से वॉर जोन में रूस को रोक लेती है, तो रूस को नए सिरे से वॉर जोन के लिए रणनीति बनानी होगी। साथ ही इसकी वजह से जंग में जेलेंस्की की आर्मी का मनोबल भी बढ़ेगा। हाल ही में यूक्रेनी सेना की यूएवी प्रणाली के कमांडर ने कैंडी से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हुए कहा, हम इस तरह की स्थिति का सामना कर चुके हैं। मैं अपने दल बल के साथ अगले मोर्चे से 7 किलोमीटर दूर गाड़ी में था। अब कैंडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। रूसी लैंडसेट ड्रोन के गाड़ी से टकराने से केवल कुछ सेकंड पहले हम अपनी कार से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। इसके तुरंत बाद एक और ड्रोन आकर टकराया। इस हमले ने हमें थोड़ा हिला कर रख दिया था, मगर महत्वपूर्ण बात है कि हम जिंदा बच गए। यूक्रेनी सेना ने तकरीबन सभी वॉर फ्रंट पर लाइफ सेवर कैंडी को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।
जिसकी मदद से पुतिन की सेना को जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया एक बार फिर दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ है अमेरिका और पश्चिम देश, तो दूसरी तरफ है रूस, उत्तर कोरिया और चीन। रूस और नॉर्थ कोरिया की पश्चिम देशों की अदावत बहुत पुरानी है और यही वजह है कि एक बार फिर दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ गई हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती ने वेस्टर्न वर्ल्ड की टेंशन बढ़ा दी है। पहली नजर में आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें रूस के क्रेमलिन की हैं। हर तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर, सड़क और सरकारी इमारतों पर रूस का झंडा। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी है जहां व्लादिमीर पुतिन के स्वागत की तैयारी चल रही है। 24 साल के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं। आज से ठीक 24 साल पहले जब पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की धरती पर कदम रखा था तो उनका कुछ इस तरह स्वागत हुआ था। उस वक्त पुतिन की मुलाकात किम जोंग, उनके पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से हुई थी। और अब किम जोंग और पुतिन की मुलाकात से पहले पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर रूस को गोला बारूद और मिसाइल देने का आरोप लगाया है। पुतिन की इस यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग रूस को जरूरी हथियार के बदले आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रूस को और हथियारों की जरूरत है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया को 50 लाख आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं। हालांकि प्योंगयांग और मॉस्को दोनों ने ही हथियारों के ट्रांसफर के आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया है। 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। पुतिन से किम जोंग उनकी नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस अलग थलग पड़ गया और अमेरिकी विरोधी देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन की इस यात्रा से पहले किम जोंग ने रूस की यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए। रूस जहां 2 साल से अधिक समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लंबे समय से तनाव है। दोनों ही देश पश्चिमी देशों के खिलाफ लामबंद हैं और एक साथ वेस्ट वर्ल्ड को चुनौती देने की कोशिश में लगे हैं। 9 महीनों में ये किम जोंग और पुतिन की दूसरी मुलाकात है, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। यूक्रेन की जंग जारी रखने के लिए पुतिन को उत्तर कोरिया के हथियार चाहिए और हथियार बनाने के लिए किम जोंग को रूस की तकनीक की जरूरत है। उत्तर कोरिया रूस से परमाणु हथियार और मिसाइलों को एडवांस करने के लिए मदद मांग सकता है, तो पुतिन को वॉर जोन में बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत है। उत्तर कोरिया अपने हथियारों को विकसित और घातक करना चाहता है, तो पुतिन अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है, जिसके लिए उसे रूस की मदद की जरूरत है। तो वहीं रूस को उत्तर कोरिया से ड्रोन हथियारों को एडवांस करने में मदद मिल सकती है। बहरहाल दोनों ही देशों के इस टेक्निकल अलायंस से अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश एक्टिव हो गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे की मदद से जंग के मैदान में और अधिक ताकत और सटीक तकनीक के साथ उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।